नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कपड़े धोने के बूट्स बनाने के बिजनेस के बारे में। दोस्तों आजकल अधिकांश घरों में वॉशिंग मशीन है वो मिल जाती है, लेकिन जिन घरों में वॉशिंग मशीन नहीं है वो आज भी कपड़े धोने के लिए बूट्स का उपयोग करते हैं। कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों के घर में बूट्स से कपड़े धोए जाते हैं या फिर वॉशिंग मशीन से। दोस्तों आप लोग इस बिजनेस को बहुत ही कम पैसों में शुरू करके महीने के लाख रुपए तक कमा सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आप लोगों को कपड़े धोने के बूट्स बनाने का बिजनेस है वो किस जगह से स्टार्ट करना है, आप लोगों को इसमें कौन सी मशीन लगेगी और कितनी मशीन लगेगी, इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए और आप लोगों की इसमें जमीन कितने लगने वाली है, टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितना लगने वाला है। इसके साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को इसकी मार्केटिंग है वो कैसे करनी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाला वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आप लोग कोई वीडियो उसको मिस ना कर सके। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मशीन की। आप लोगों को बूट्स बनाने की मशीन है वो इंडिया मार्ट पर मात्र 80,000 रुपए की मिल जाती है। अगर आप लोग इससे ज्यादा कॉस्ट की मशीन लेना चाहते हो तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। दोस्तों कोई भी बिजनेस हो उसको स्टार्ट करने में सबसे ज्यादा पैसा है वो मशीन पे ही लगता है और आप लोगों का भी इस बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा है वो मशीन पे ही लगने वाला है। दोस्तों दो नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं कच्चे माल की। आप लोगों को बूट्स बनाने के लिए कौन सा कच्चा माल चाहिए? दोस्तों बूट्स है वो दो प्रकार की होती है, एक लकड़ी की होती है और एक प्लास्टिक की होती है। लकड़ी की बूट्स बनाने के लिए आप लोगों को सिंपल सी बात लकड़ी चाहिए और प्लास्टिक की बूट्स बनाने के लिए आप लोगों को पीपी प्लास्टिक चाहिए जो कि आप लोगों को इंडिया मार्ट पर मात्र 80 रुपये प्रति केजी मिल जाती है। दोस्तों तीन नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं जमीन की। आप लोगों को इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितनी जमीन चाहिए? दोस्तों आप लोग इस बिजनेस को अपने छोटे से घर से भी स्टार्ट कर सकते हो, इसके लिए आप लोगों को कोई ज्यादा बड़ी जगह है वो लेने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं चार नंबर पर टोटल इन्वेस्टमेंट, आप लोगों का इस बिजनेस में टोटल पैसा वो कितना लगने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों की 80,000 तो मशीन की हो गई, इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को 20,000 रुपये का रॉ मटेरियल खरीद लेना है तो आप लोगों के टोटल पैसे हो गए 1,00,000 रुपये। दोस्तों आप लोग इस बिजनेस को 1,00,000 से आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। एक बूट है वो मार्केट में 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक बिकती है, आप लोगों को होलसेल में मात्र 30 रुपये का बेचना है। मान लीजिए दोस्तों अगर आप लोग एक महीने में मात्र 5,000 बूट्स बनाकर बेचते हो दोस्तों आप लोग एक महीने के कमाते हो 1,50,000 रुपये। उनमें से दोस्तों आप लोगों का मात्र 50,000 रुपये का एक महीने का खर्चा मान लो, जिनमें लाइट का खर्चा हो या फिर अपने वर्कर्स को देना हो या फिर आपके रॉ मटेरियल का खर्चा हो। इसके अलावा दोस्तों आपके पास एक महीने के 1,00,000 रुपए बच जाते हैं जो कि आप लोगों का एक महीने का प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर ले। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।